मेरा नाम अनवर शऊर है और मैं एक शायर हूँ, शेर कहता हूँ। गोया मेरा ताल्लुक़ जो है वो अदब के, शेर व अदब के खिदमतगारों से है। और शेर व अदब के जो हज़ारा खिदमतगार हैं उर्दू दुनिया में, उनमें से मैं भी एक हूँ। इब्तदाई उम्र से, कोई 10-11 साल की उम्र से मैं इस शौक़ में मुब्तला हूँ। और यानी मैंने शायरी उस वक्त शुरू की थी जब मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या होती है। इत्तेफाक़ ये हुआ कि बिल्कुल बचपन से मस्जिदों में वालिद साहब के साथ जाने का मौका मिलता था और वहाँ नात ख्वानी की महफिलें भी हुआ करती थीं, तो वो नातें सुनकर मुझे भी नात पढ़ने का शौक़ हो गया था। और चूँकि मेरी आवाज़ अच्छी थी तो वो लोग बहुत दिलचस्पी से सुनते थे, उनकी हौसला अफजाई से मेरा वो शौक़ बढ़ता रहा। और जिसके लिए मुझे उर्दू और फ़ारसी की बहुत सी नातें जो हैं वो पढ़नी पड़ी और याद भी करनी पड़ी। तो इसका नतीजा ये निकला कि मैं ख़ुद शेर मौजू करने लगा। ये बात मैं अक्सर इस तरह कहता हूँ कि तबीयत खुद ब खुद मौजू हो गई, बल्कि ख्वामुखा मौजू हो गई। अच्छा, अपने ज़माने के बच्चों के रसाइल और अखबारात में जो बच्चों के सफ़ात जो बड़े अहतमाम से शाया हुआ करते थे वो सब नज़र से गुज़रते थे, तो वो देख देख कर गोया मैंने लिखना सीखा। और बहुत कुछ लिखा, पहले बच्चों की नज़में लिखीं, हमदें, नातें, और उसके बाद आगे बढ़ता रहा। जब हम नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ते थे तो वहाँ हमारे एक उस्ताद थे, हज़रत मौलाना अफसर साबरी मरहूम। अफसर साबरी साहब जो थे वो बहुत आला दर्जे के शायर थे और नादगोई में उन्हें एक मकाम हासिल था और ग़ज़ल भी बहुत अच्छी कहते थे वो। उन्होंने मेरा ज़ौक़ो शौक़ देखा तो तवज्जो देना शुरू की और बिल्कुल इब्तिदाही में फ़न्ने शायरी के मुहासिनों मुआयब मुझे समझाए, और बल्कि इस तरह कि वो मुझे घोल कर पिला दिए और मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। उससे मैं बाकायदा शेर कहने लगा और फिर आगे चलकर ये हुआ कि मैंने गज़लें कहीं। अच्छा, इत्तेफाक से इब्तदाई गज़लें जो हैं वो बहुत पसंद की गई, लोगों ने उन्हें उनकी हौसला अफजाई की, तो फिर मैं गज़ल गोई की तरफ ही मायल हो गया। और यही ठहरा है सो अब फ़न हमारा के, तो वो, और मैं गज़लें लिखता रहा। और अब मेरे इस वक्त गज़लों के 5 मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें पहले 4 मजमूए जो हैं वो यकजा भी शाया हो गए हैं, और उसका नाम है कुल्लियात अनवर शऊर। अच्छा, ये 4 मजमूओं पर मुश्तमल कुल्लियात है, और उसके बाद एक मजमूआ और आया है कि जिसका उन्वान है आते हैं गैब से।
ये किताबें रंगे अदब पब्लिकेशंस उर्दू बाज़ार कराची से शाया हुई हैं और लिखने लिखाने का सिलसिला अब भी जारी है। अब जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है मेरी जिद्दोजहद, मेरी जिद्दोजहद में अब मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, एक लिखने वाले की अमली जद्दोजहद क्या हो सकती है, वो यही हो सकती है कि मैंने इब्तिदा से अपने असातिज़ा के कहने पर, पहले तो मैं ये बताऊंगी, मैंने 3 उस्तादों से अपनी तुकबंदियों पर, अपना कलाम तो मैं नहीं कहूँगा, अपनी तुकबंदियों पर मैंने इसला ली। तो पहले उस्ताद जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, हज़रत मौलाना अफसर साबरी मरहूम थे, उसके बाद हज़रत ताबिश दहलवी थे, और मेरे आखिरी उस्ताद थे, तीसरे उस्ताद हज़रत सिराजुद्दीन ज़फ़र मरहूम। ये 3 तो मेरे उस्ताद थे। इसके अलावा बेशुमार लोगों से सीखा। दरअसल जो भी आपसे ज़्यादा जानता है, चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अगर इस एतबार से हम देखें तो उस्तादों का कोई शुमार नहीं। अपनी मशक जारी रखने के साथ साथ असातिज़ा की निशानदेही पर उर्दू के तकरीबन तमाम क्लासिकी शुआरा सिराज औरंगाबादी से अब तक वो मुझे पढ़ने का मौका मिला, और मैंने कोशिश की कि उससे जितना इस्तेफादा हो सके वो किया जाए। तो एक तो मैंने वो शायरी पढ़ी, जैसे कि सिराजुद्दीन अपने इब्तदाई बिल्कुल हमारे शायर जो थे, जिनकी वो मशहूर गज़ल है कि खबर तहयुर इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही, खबर तहयुर सिराज औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी, खबर तहयुर इश्क सुन न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, चली समते गैब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, चली समते गैब से एक हवा के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख निहाल गम जिसे दिल कहें सोहरी रही। ये हमारे इब्तिदाई दौर के शायर हैं उर्दू के, सिराज औरंगाबादी और फिर वली दकनी, और बिल्कुल इब्तिदा में इन्होंने उर्दू इस तरह की इस्तेमाल की है अपनी ज़बान कि वो आज की ज़बान मालूम होती है। मसलन अपने वली दकनी कहते हैं कि फिदाए दिलबरे रंगी अदा हूँ, शहीद शाहिद गुलगू कबा हूँ, हर एक महरू से मिलने का नहीं ज़ौक, सुखन के आशना का आशना हूँ। तो हमारी जो आज की ज़बान है उसके नमूने बिल्कुल इब्तिदा में हमें इन शुआरा ने दे दिए थे। और अब तो खैर उर्दू बहुत तरक्की याफ्ता ज़बान है उसके मुकाबले में, और इसमें बहरहाल कहीं कोई रोक नहीं है, एक रवानी के साथ फैलती बढ़ती जा रही है। अगर शायरी, मैंने शायरी के मुताले के अलावा फिक्शन बहुत पढ़ा, और सफ़रनामों से भी दिलचस्पी है, खुद नविश्तों से भी दिलचस्पी है, ये चीज़ें पढ़ता रहा। अफसाने तराजिम भी बहुत पढ़े, और तब आज़ाद अफसाने भी बहुत पढ़े, और आज तक वो शौक़ जो है बरकरार है। तो
तो ये यही है, यानी लिखने पढ़ने वाले की जद्दोजहद यही हो सकती है कि वो जितना हासिल कर सकता है वो करे, इसलिए कि लिखने का फ़न जो है वो पढ़ने का फ़न है। और पढ़ता है आदमी तो गोया वो उसी, वो एक तरह का पेट्रोल है जिससे गाड़ी आगे चलती है, तो मुताला जो है वो जारी रहता है। और आज भी मेरा जो शगल है वो यही है। और हालांकि मैं सिर्फ गज़ल कहता हूँ, लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें, ये मुताला जो है शायरी का और नसर का, ये तख्लीक़ फ़न में बहुत काम आता है। बहरहाल एक तो गज़ल का सिलसिला शुरू से चल रहा था जो आज तक जारी है, और इसके अलावा आपको मालूम है कि हज़रत रईस अमरोही रोज़नामा जंग में क़तात लिखा करते थे और बेहद मकबूल थे उनके क़तात। उनके इंतकाल के बाद ये मौका मुझे मिला, वो भी इस तरह के हमारे जो, मैं सबरंग डाइजेस्ट से भी वाबस्ता रहा हूँ और पूरा सबरंग डाइजेस्ट जो है वो उसकी इब्तिदा से इंतहा तक उसमें मैं शरीक रहा हूँ। तो उसके जो मुदीर हैं शकील आदिलज़ादा साहब, वो मेरे साथी भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और यानी वैसे कोई रिश्ता तो नहीं है जिसे कहा जा सके कि ये मेरे चचाजाद हैं या मेरे, ये तो नहीं है, लेकिन रिश्तों से बढ़कर रिश्ता उनके साथ है मेरा। तो खैर, जब रईस साहब का इंतकाल हो गया तो उनके उकसाने से और उनकी तरगीब पर मैंने जंग में सिलसिला शुरू किया क़तात निगारी का। तो वो रईस अमरोही साहब का इंतकाल जब हुआ है 88 में, तो उनके इंतकाल के बाद पहला क़त्ता जो किसी और शायर का छपा था वो मेरा था, गोया वो चुन लिया गया था। उसके बाद खैर वो मुस्तकिल हो गया, ये काम मुस्तकिल हो गया जो अब तक चल रहा है, यानी रोज़ाना एक क़त्ता जंग अखबार में मैं लिखता हूँ। तो गोया मेरी तमाम तक, मेरी तमाम सरगुजश्त क्या है वो इकबाल का, गज़ल नवीसी और क़त्ता नवीसी, ये गोया खुलासा है पूरी ज़िंदगी की जद्दोजहद का। मुझे अपनी शायरी की वजह से, बल्कि शायरी की बदौलत, एक तो ये कि मैं, मेरी मुआशी ज़रूरियात भी इसी फ़न से पूरी हुई हैं जो उमूमन नहीं होता है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदा का भी, हालात का भी, और अपने पढ़ने वालों का भी। अच्छा, और मुझे फिर दुनिया के अक्सर ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ मुशायरों के बहाने से, जैसे मैं कनाडा भी गया हूँ, अमेरिका, इंडिया, अमारात, सऊदी अरब वगैरह। मेरे 5 मजमूए गज़लों के अब तक छप चुके हैं, जिनमें से 4 यकजा भी शाया हुए हैं, और उस यकजा जो कुल्लिया, उसका नाम है कुल्लियात अनवर शऊर, और इस कुल्लियात के बाद एक मजमूआ और छपा है आते हैं गैब से, और ये किताबें रंगे अदब पब्लिकेशंस उर्दू बाज़ार कराची से छपी। अच्छा, अब मैं आपको अपनी कुछ शेर सुना देता हूँ कि किया बादलों में सफ़र जिंदगी भर, किया बादलों में सफ़र जिंदगी भर, ज़मीन पर बनाया न घर जिंदगी भर,
किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमी पर बनाया न घर जिंदगी भर। सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। मोहब्बत रही चार दिन जिंदगी में, मोहब्बत रही चार दिन जिंदगी में, रहा चार दिन का असर जिंदगी भर। मोहब्बत रही चार दिन जिंदगी में, रहा चार दिन का असर जिंदगी भर। मैं एक नई गज़ल पेश कर रहा हूँ, अहमद फराज की जो मशहूर गज़ल है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। इस ज़मीन में मैंने भी कुछ शेर अर्ज़ किए हैं फरमाइश पर, बहरहाल ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि आने के लिए आ, फ़कत आने के लिए आ, आने के लिए आ, फ़कत आने के लिए आ। ऐ दोस्त किसी रोज़ न जाने के लिए आ, आने के लिए आ, फ़कत आने के लिए आ। ऐ दोस्त किसी रोज़ न जाने के लिए आ। तन्हाई में संसार है सुनसान बयाबान, तन्हाई में संसार है सुनसान बयाबान, सुनसान बयाबान बसाने के लिए आ। तन्हाई में संसार है सुनसान बयाबान, सुनसान बयाबान बसाने के लिए आ। खलवत किसी तदबीर से जलवत में बदल दे, खलवत किसी तदबीर में जलवत से बदल दे, तकदीर को आईना दिखाने के लिए आ। खलवत किसी तदबीर से जलवत में बदल दे, तकदीर को आईना दिखाने के लिए आ। सीने में कोई आग है भड़की हुई, ये आग, सीने में कोई आग है भड़की हुई, ये आग गुलजारों समंजार बनाने के लिए आ। सीने में कोई आग है भड़की हुई, ये आग गुलजारों समंजार बनाने के लिए आ। रंजीदा महजूर न खुद हो न मुझे कर, रंजीदा महजूर न खुद हो न मुझे कर, आगोश मोहब्बत में समाने के लिए आ। रंजीदा मजबूर न खुद हो न मुझे कर, आगोश मोहब्बत में समाने के लिए आ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू इश्क है मैं हुस्न, तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू इश्क है मैं हुस्न। हर फासला हर फ़र्क मिटाने के लिए आ, हर फासला हर फ़र्क मिटाने के लिए आ। क्या तू है शऊर अपने जलीसों से भी तायब, क्या तू है शऊर अपने जलीसों से भी तायब, पीने न सही मिलने मिलाने के लिए आ। क्या तू है शऊर अपने जलीसों से भी तायब, पीने न सही
मिलने मिलाने के लिए आ, आने के लिए आ, फकत आने के लिए आ, ऐ दोस्त किसी रोज न जाने के लिए आ। ये गजल पेश कर रहा हूँ। हम अपने आप से बेगाने थोड़ी होते हैं, हम अपने आप से बेगाने थोड़ी होते हैं, सुरूर कैफ में दीवाने थोड़ी होते हैं, हम अपने आप से बेगाने थोड़ी होते हैं, सुरूर कैफ में दीवाने थोड़ी होते हैं। गिना करो ना प्याले हमें पिलाते वक्त, गिना करो ना प्याले हमें पिलाते वक्त, ज़ुरूफ ज़र्फ के पैमाने थोड़ी होते हैं, गिना करो ना प्याले हमें पिलाते वक्त, ज़ुरूफ ज़र्फ के पैमाने थोड़ी होते हैं। जो लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, जो लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, नए तो होते हैं अनजाने थोड़ी होते हैं, जो लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, नए तो होते हैं अनजाने थोड़ी होते हैं। बराहे रास्त असर डालते हैं सच्चे बोल, बराहे रास्त असर डालते हैं सच्चे बोल, किसी दलील से मनवाने थोड़ी होते हैं, किसी दलील से मनवाने थोड़ी होते हैं। हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, किसी को भेज के मंगवाने थोड़ी होते हैं। हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, किसी को भेज के मंगवाने थोड़ी होते हैं। ना आए आप तो महफिल में कौन आता है, ना आए आप तो महफिल में कौन आता है, जले ना शमा तो परवाने थोड़ी होते हैं, ना आए आप तो महफिल में कौन आता है, जले ना शमा तो परवाने थोड़ी होते हैं। किसी गरीब को ज़ख्मी करे के कत्ल करे, किसी गरीब को ज़ख्मी करे के कत्ल करे, निगाहे नास पे जुर्माने थोड़ी होते हैं, किसी गरीब को ज़ख्मी करे के कत्ल करे, निगाहे नास पे जुर्माने थोड़ी होते हैं। शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, ज़रा सी बात के अफसाने थोड़ी होते हैं, शऊर तुमने खुदा जाने क्या किया होगा, कि इत्तिफाक अपनी जगह खुशकिस्मती अपनी जगह, इत्तिफाक अपनी जगह खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह, इत्तिफाक अपनी जगह खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह। कह तो सकता हूँ मगर मजबूर कर सकता नहीं, कह तो सकता हूँ मगर मजबूर कर सकता नहीं, इख्तियार अपनी जगह है बेबसी अपनी जगह, कह तो सकता हूँ मगर मजबूर कर सकता नहीं,
इख्तियार अपनी जगह है, बेबसी अपनी जगह। कुछ न कुछ सच्चाई होती है नेहा हर बात में, कुछ न कुछ सच्चाई होती है नेहा हर बात में। कहने वाले ठीक कहते हैं सभी अपनी जगह, कुछ न कुछ सच्चाई होती है नेहा हर बात में। कहने वाले ठीक कहते हैं सभी अपनी जगह। सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं, सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं। खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह, सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूँ मैं। खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह। दोस्त कहता हूँ तुम्हें शायर नहीं कहता शऊर, दोस्त कहता हूँ तुम्हें शायर नहीं कहता शऊर। दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। दोस्त कहता हूँ तुम्हें शायर नहीं कहता शऊर। दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह।